सो कल इतने सारे डीएम्स आए हैं सिर्फ इस वीडियो को लेके कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, कैसे सिर्फ 4 स्टेप्स से हम हमारे लव मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और इसको करना स्टार्ट कर दो। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसको करना शुरू भी कर दिया है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बेसिकली करना क्या है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर तो रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को बुलाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। तो लेकिन अभी माइंड में क्या थॉट है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, उसका कॉल नहीं आता, उसका मैसेज नहीं आता, ये सब सोचना बंद कर दो। क्योंकि आपको अपनी रियालिटी चेंज करना है, आपको आपकी एनर्जी को टोटली बदलना है। तो ये जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, कब कॉल करेगा, किसी और के साथ तो नहीं है, सब भूल जाओ और यूनिवर्स को बोलो दैट यूनिवर्स मैं अपनी लाइफ में अपना लव मैनिफेस्टेशन करना चाहती हूँ। करेंट सिचुएशन आई डोंट नो क्या है, बट मेरा एंड गोल ये है कि मुझे अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्टेशन करना है। एक बार ये बातें यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। आपने ये सारी बातें बोल के यूनिवर्स तक तो अपनी बातें पहुंचा दी, लेकिन अब आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, क्योंकि आपको उस एंड रिजल्ट तक पहुंचना है जहां पे आप उनके साथ बहुत खुश रहने वाले हो, आप वो सारी चीजें करने वाले हो जो आप दिल से चाहते हो। तो उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए ये जो करंट सिचुएशन है ना, रोना धोना सैड होना, इन सबको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमें पहुंचना है उस एनर्जी तक। कैसे पहुंचेंगे? स्टेप नंबर 1, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। वो पर्सन किसके साथ है, वो पर्सन कहाँ है, वो पर्सन कॉल नहीं कर रहा, वो पर्सन मैसेज नहीं कर रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसी चीज है, आपको अपने में खुश रहना है, आपको खुद को अप्रिशिएट करना है। जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, वो पर्सन कैसे आपकी लाइफ में आएगा? जब तक आप खुद को प्यार नहीं दोगे, तो वो पर्सन आपको कैसे प्यार देगा? तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लव मैनिफेस्टेशन के अंदर, कि हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं। खुद को कैसे प्रायोरिटी देना है, खुद को कैसे अप्रिशिएट करना है, जस्ट लव द वे यू आर। कॉल करना, बेग करना कि मुझसे बात करो, ये सब बोलना बंद कर दो और अपनी लाइफ में इतना खुश हो जाओ कि वो भी सोचे, भाई क्या बात है, ये तो कॉल ही नहीं कर रही है, लेट्स फाइंड आउट कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा। एक सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में होती है कि जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हम उन्हें कॉल नहीं करते हैं, हम उन्हें मैसेज नहीं करते हैं, तो वो तो हमसे दूर हो जाएंगे, वो तो हमसे बात करना बंद कर देंगे। नो, आप कर रहे हो सेल्फ लव, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स को ऑलरेडी पता है, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो। ये मत सोचो कि आप कॉल करना बंद कर दोगे, आप मैसेज करना बंद कर दोगे तो सामने वाला पर्सन आपसे दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डीमेरिट है जो आप सोचते हो कि ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। सेल्फ लव दोगे, खुद को प्यार दोगे, अप्रिसिएशन दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, यूनिवर्स को दिख रहा है आप खुद से इतना प्यार कर रहे हो, ना आप रो रहे हो, ना सैड हो रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। और जब आप सेल्फ लव करोगे, यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास लाकर रख देंगे। यहां होता है सबसे बड़ा मिराकल, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लोग सोचते नहीं, और एकदम से जब मैसेज आ जाता है एंड दे वर लाइक ये कैसे हो गया। तो अब बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं जाना चाहिए, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, ये मेरा मैसेज आपको जा रहा है। अगर आप लव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उनके पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है आपके अंदर जो आपकी मैनिफेस्टेशन तक आपको बिल्कुल नहीं पहुंचाती। स्टेप नंबर 2 पे अब हम आ जाते हैं। और हाँ, सेल्फ लव में टाइम लगता है, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग को 15 डेज 21 डेज तक का टाइम लगता है। खुद को टाइम दो, खुद को खुश रखो, उसके बाद वो पर्सन आपके पास दौड़ा चलाएगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आ जाती है हमारी टेक्निक्स, जो कि यहाँ पे सबसे बेसिक टेक्निक ली है, वो है अफर्मेशंस। अफर्मेशन नॉर्मल अफर्मेशंस होती है, लाइक मेरा उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझे कॉल कर रहे हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं, लेकिन अब ये दिन भर नहीं बोलना है कि सुबह से रात तक यही बोले जा रहे हैं। पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 बार बोलो कम से कम 10 मिनट के लिए। एग्जाम्पल, सुबह जब आप उठते हो तो 10 मिनट के लिए बोला करो, डीप ब्रीदिंग के साथ आप ये अफर्मेशन बोला करो। आप यहाँ पे चाहो तो कोई अफर्मेशंस का गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बस आपको पॉजिटिव मैनर में चीजों को बोलना।
अरे दी, कैसी बातें कर रहे हो, इतना टाइम इतने गैप के बाद बोलना है, लेकिन बीच में तो इतने सारे थॉट्स आते हैं जो हमें नेगेटिव बना देते हैं। अगर आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स बीच में आ जाते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, इन सबको लाना बंद कर दो और अफर्मेशंस बोल बोल के अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर दो। अपनी लाइफ में बिजी होना है, अपना काम करो, अपने ऑफिस जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कोई अच्छी सी वेब सीरीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, एनीथिंग, बस आपको अपने आप को बिजी रखना है। आप फ्री होते हो और आपके माइंड में थॉट्स आने लग जाते हैं, पर हम दिन भर थोड़ी ना खुद को बिजी रख सकते हैं। जब आपके पास फ्री वाला टाइम हो जाए, तब आप खुद के लिए टाइम निकालो, घूमने जाओ, अपने आप को ट्रीट दो, वो सारी चीजें करो जो आपको खुशी देती है, लेकिन आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। इनकेस बीच में थॉट आ गया, अरे मैम माइंड में आ गई वो चीज, थैंक यू यूनिवर्स, वो मेरे साथ है। थैंक यू यूनिवर्स, हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक हैक बताऊं इसके लिए, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखो, यूट्यूब पे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज डली रहती हैं, उनको देखो और विजुअलाइज करो कि अब आपकी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, और कोई इंसान आपकी ही सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा है, यू नेवर नो, आपकी सक्सेस स्टोरी में रीड करके यहाँ सबको बताऊं, हाँ मैं नाम छुपा सकती हूँ लेकिन किसी को क्या पता चलता है, आपकी सक्सेस स्टोरी सिर्फ आप जानते हो। इससे एक मोटिवेशन आपको भी मिलता है और सामने वाले को भी मिलता है जो यू नो लव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां पे मैंने बताया है स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे कोई नॉर्मल स्क्रिप्टिंग करता है, कोई एंजल नंबर्स लिखता है, कोई स्विच वर्ड्स यूज करता है, कोई व्हाट इफ टेक्निक कर रहा है, कोई 33x3, 44x4, एनी टेक्निक, आप अपनी चॉइस से कोई भी टेक्निक चूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट टेक्निक मानी जाती है स्क्रिप्टिंग, जिस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। सेकेंड इज लव एंजल नंबर, इस पे भी मेरा वीडियो डला है, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो। अब आपने जो टेक्निक चूज कर ली है ना, उसको आपको 21 डेज 40 डेज तक इसको आराम से करना है, खुशी के साथ करना है, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। यू नेवर नो, अगर आप खुशी के साथ कर रहे हो, सेल्फ लव के साथ कर रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन 10 दिन के अंदर ही आ जाए, जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए तो। इसलिए अपने आप को एक्साइटेड रखो, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे, यूनिवर्स देखेंगे भाई ये तो सेल्फ लव के पीछे पागल हो गई है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में एकदम पॉपअप की तरह मैसेज ला देंगे और उस पर्सन की भी मैनिफेस्टेशन के लिए जो आप कर रहे हो वो पूरी हो जाएगी। जाती है लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, जहां पे आप विजुअलाइजेशन या सबलिमिनल सुन सकते हो। सबलिमिनल का बेस्ट चैनल आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दैट इज रॉकस्टार अफर्मेशंस, आपको आसानी से यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे, एयरफोन्स लगा के बस सुनना है, लेकिन 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 एंड गोल को विजुअलाइज करना है। लाइक आप लोग अब साथ हो, आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा है, आप लोग घूम रहे हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मत सोचना वो अब आ रहे हैं, वो इसके थ्रू मैसेज कर रहे हैं, नो। विजुअलाइजेशन में हमेशा अपना एंड गोल सोचा जाता है, जहाँ पे आप सोचेंगे कि अब आप दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप पे हो। इसके साथ अगर आपने विजन बोर्ड क्रिएट करा है तो आप उसको देख के भी अफर्मेशन बोल सकते हो, वो भी एक प्रकार की विजुअलाइजेशन ही होती है। एंड इन्जॉय योर लव मैनिफेस्टेशन, ये इतनी जल्दी काम करेगा ना कि आप हैरान हो जाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सामने से कॉल नहीं करना है, सामने से नहीं जाना है, बस सेल्फ लव में खो जाओ। सो बस ये 4 स्टेप और हमारी लव मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। ट्राई दिस रिचुअल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज रियली मैजिकल। बस डाउट ना रखे, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से कॉल आएगा, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, वहां तक चीजें पहुंची हैं, अपने आप अनएक्सपेक्टेडली आएगी, पहले बता रही हूँ। अगर सोचते रहोगे ना अब मैसेज आ जाएगा, कहाँ से मैसेज आएगा, किसके थ्रू मैसेज आएगा, अब ये सोचने का काम आपका नहीं है, ये यूनिवर्स का है, आपको तो उस एनर्जी तक पहुंचना है और आप पहुंच गए हो, दैट इज आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई है। इंजॉय द लव मैनिफेस्टेशन जर्नी। आप मेरे मेडिटेशंस भी सुन सकते हो, वाइब्रेशंस भी भेज सकते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड है, लेकिन जो भी करना खुशी के साथ करना और सबसे प्यारी फीलिंग के साथ करना। राधे राधे।